हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जिनका वीकली स्ट्रक्चर इतना मस्त बन रहा है, इतना मस्त मक्खन बन रहा है कि अगर आप यहाँ पर बाय करते हो और छोड़ देते हो सिर्फ बुलरन तक, तो आपको बहुत अच्छा एक्सेस मिलेंगे नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है वो चीज़ें शुरू से लेकर आखिर तक बता दूंगा। जो नहीं पता है वो टेलीग्राम पे पता चल जाता है, बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप एक बिजी पर्सन हो, आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आप मेरे टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके आपको कोई लॉस होने ही नहीं वाला। आप मतलब लॉस अपनी गलती करोगे तो अलग लॉस है। आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करो, जो इन्फो वहां मिल रही है उस इन्फो को अपने अंदर इस्तेमाल करो और देखो कि चीज़ें किस तरह से वर्कआउट करती हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। बहुत बड़ा फॉल अगर मार्केट में अभी देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पर, मैं आपको कुछ दिखा भी देता, चलो दिखा देता हूँ अपनी रनिंग पोजीशन, दिखा देता हूँ कि मेरी पोजीशन क्या चल रही है। ये मार्केट गिर रही है, यहाँ पर मेरी पोजीशन है थोड़ी सी अभी स्टार्ट हुई है, 20% का प्रॉफिट इसमें होने लगा है। ये आप देखो 20% का प्रॉफिट इसमें हो रहा है, ठीक है, आपके सामने हो रहा है। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो। पहले आप लोग को लॉजिक क्या मतलब, ये ट्रेड तो मैंने आप लोग के साथ आज ही शेयर करी है ना, ये ट्रेड अभी सामने शेयर करी, बहुत बढ़िया इसमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आराम से अच्छा खासा हो रहा है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि आधा जो है मैं यहाँ पर क्लोज़ कर दूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर ही देता हूँ, सोच रहा हूँ। लेट्स सी 60,200, वीडियो बनाते समय यार करना पड़ेगा, सोचा नहीं था 60,200। इसको मैं हाफ क्लोज़ कर देता हूँ, मेरा ये रेस रिवॉर्ड यही है। ठीक है, शुड बी लेस देन ये ठीक है कह रहा है 210 लगा देता हूँ। ओके, सो लेट्स, अरे भाई कुछ तो लग जाना, 60,250, लेट्स सी कंफर्म, ये हो नहीं रहा, छोड़ो इस ट्रेड को। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की, बिटकॉइन के बाद हम बात करने वाले थे इन कॉइन्स की, सॉरी। ठीक है, वीकली वाले, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन से कॉइन्स ऐसे हैं जो वीकली स्ट्रक्चर में बहुत बढ़िया बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे नाम, मेरे माइंड में जो आता है वो CRV आता है। मैटिक की बात करूँगा, मैटिक टाइटल में, लेकिन CRV आता है इसलिए क्योंकि वीकली डिविएशन है यार यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वीकली डिविएशन की, तो यहाँ पर आप देखोगे 33 सेंट्स के नीचे आपको यहाँ पर 21 सेंट्स तक अच्छा खासा वो मिलता है। क्या मिलता है मतलब, अच्छा खासा डिविएशन का एरिया मिलता है। आप इस एरिया में ना अच्छा खासा वहाँ पर सपोर्ट, बाइंग जोन, सब कुछ जो भी कह लो वो मिल सकता है। अच्छा, क्यों मैं CRV लेकर आया हूँ, रिसेंट में देखो यहाँ से यहाँ तक का जो इसमें डंप हुआ ना, जो पूरा डंप ये जो था क्रैश का डंप था, ठीक है, मानता हूँ। ठीक है, ये रिसेंट पंप हुआ मार्च 2024 तक, जनवरी से लेकर 2024 तक, उसके बाद तो ये डंप ही हो रहा था। फिर ये जो क्रैश आया ये, ठीक है, ये TP1 तक जो क्रैश आया था वो तो चलो था, इसके बाद जो ये जो क्रैश है ये एक्स्ट्रा डंप है। एक्स्ट्रा डंप इज अबाउट कि फंडामेंटल्स थोड़े वीक, लोग फियर हो गए, फियर में लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी कि भाई वो इतना यहां पर गिर गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या फियर था कि इसके जो फाउंडर, उन्होंने अपने टोकन जो है सेल मार दिए। ठीक है, ये एक बड़ी चीज थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि दूसरी क्या चीज थी, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक हमें वीकली की उसमें मिल गया टाइमलाइन में। ठीक है, इसलिए डिविएशन इसमें मिल रहा है। अब कंफर्मेशन क्या होगा ऐसी ट्रेड में, कंफर्मेशन ये होता है जब इसके ऊपर आ जाए 33 सेंट्स के ऊपर, जो लो यहाँ पर बना था उसके ऊपर आ जाए, यहाँ पर भी सब रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, इसको क्लोज कर दे तो हमें इतना तो मिलेगा 30% का मूव, 43 सेंट्स। अब सुनो मेरी बात, पूरी कहानी सुनो, 43 का टारगेट नहीं है ना, हमारा टारगेट पहला ये रहेगा। मैं सारी चीज़ों को देख के बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब सप्लाई और बाकी सारी चीज़ों को देख के मैं तीन टारगेट आपको गारंटीड दे सकता हूँ, और वो हैं यहाँ पर 270%, यानी $1.50 तक आपका ये जा सकता है ये कॉइन। ठीक है, CRV एक ऐसा कॉइन है, क्यों उठेगा, क्योंकि अभी रिसेंट में आपने आवे के बारे में सुना होगा। लेट्स सी, आवे की बात करते हैं, ये है हमारा आवे कॉइन। ठीक है, इसके बारे में लास्ट ईयर वर्क किया था, तब तो कुछ कर नहीं रहा था, अब भाई साहब उठे हैं, अब जागे हैं। मैंने इसके बारे में बता दिया था कि रेंज टूटेगी तो ये 150 की ओर भागेगा, अच्छी खासी रेंज टूटी है रिसेंट में, $77 से डायरेक्ट डबल हो गया। ठीक है, मेरा एरिया कौन सा है टारगेट का, ये वाला 162 से 180 के बीच में। ठीक है, ये आवे उठ गया। अच्छा, डीफाई में जितने भी कॉइन थे आपके, जैसे कर्व हो गया, ठीक है, उसके बाद आप मेकर भी देख सकते हो। ठीक है, मेकर कैसा है, लेट्स सी मेकर क्या कर रहा है। मेकर काफ़ी ज़्यादा गिर गया, इसमें भी सेल सिग्नल इंडिकेटर दे रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर हम इसमें फिब लगा लें, मान लो हाई का लगा भी लेते हैं फिब, ठीक है, लेट्स सी, हमने फिब लगा लिया, गोल्डन पॉकेट के जरिए मेकअप जो ये मेकर है वो बैठा हुआ है गोल्डन पॉकेट पे। ठीक है, इथेरियम का क्या हाल है भैया, गिरने वाली मार्केट लग रही। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर अच्छा खासा गोल्डन पॉकेट का बाउंस मिल सकता है, वही एक्सपेक्टेशन मेरा है। पहला टारगेट ये रहेगा 58% का, यानी अराउंड 2882 तक, उसके बाद सेकेंड टारगेट 4000 का। ठीक है, ये हमारा रहने वाला है। मेकर डाओ भी अच्छा कर सकता है, ये सब डीफाई के कॉइन्स हैं। चलो अब आते हैं उन पे जो अच्छा कर सकते हैं,
वो कौन से हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला नाम मेरे जुबान पे जो आता है वो है ZK। ZK क्यों आएगा भाई? ZK एकदम न्यूली लॉन्च टोकन, एकदम मतलब अभी कुछ टाइम ही नहीं हुआ भाई, कब हुआ है? जून में हुआ। ठीक, विक मारी 29 सेंट, गिरता चला गया। यहाँ लिस्टिंग लो के अराउंड सपोर्ट पाया, ऊपर उठ रहा है, धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है। पहला जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा वो 14 सेंट्स का होगा, फिर हमारा 19 होगा। ठीक है, वो दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास हैं। उसके अलावा मुझे लगता है ZK इस ऐसा कॉइन है ना, ये 400 मिलियन 500 मिलियन के अराउंड चल रहा होगा मार्केट कैप। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन इसमें 4 बिलियन 10 बिलियन इस तरह का है, तो मेरा इसमें 10x का अनुमान है, यानी $1 के ऊपर इसमें हमें मिलेगा। देखो यहाँ कहीं पे बना के रखा होगा $1 का, देखा? तो ये ZK एक ऐसा कॉइन है जिसमें मैं अच्छा एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत बढ़िया वर्क करेगा। एक और कॉइन है ऑक्शन, इसकी ट्रेड अपने टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाली थी, कल से आज तक 20% पंप कर चुका है। ठीक है, 19.35 चल रहा है, मैंने गोल्डन पॉकेट का एक एरिया बताया था, लेकिन फिर मैंने आज सुबह एक टेलीग्राम पर ट्रेड दी जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई ऑक्शन अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। ठीक है, उसके बाद विफ एक ऐसा कॉइन है जो कि बहुत अच्छी जगह था, देखो बाउंस कितना तगड़ा मारा, दोनों बॉटम पकड़े गए हैं। देखो हमारे चैनल पर दोनों इसके बॉटम पकड़े गए हैं। ठीक है, ये बाय इंडिकेटर ने दे दिया, यहाँ से भागा दो, यहाँ फिर बाय इंडिकेटर ने दे दिया, 1.9 तक भागा। ठीक है, 1.2 से ओवरऑल अगर हम इसको और बड़े टाइम फ्रेम में कर देना भाई, तो विफ एक अच्छा खासा कॉइन है जिसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी है और इसमें सपोर्टर भी अच्छे हैं, कम्युनिटी भी अच्छी, ये उड़ सकता है। ये मिनिमम आपका $10 कॉइन है, 9.8 तक भाग सकता है, मेरा टारगेट वही है इस बुल रन का। इसको भी आप होल्ड करके रख सकते हो। अगर आप लोग AI में कुछ देख रहे हो तो आपको फेच AI देखना ही चाहिए। फेच AI एक ऐसा कॉइन है जो बहुत बेहतरीन जगह पे ये टिप मारा था, यहाँ से उठने की कोशिश कर रहा है 89 सेंट्स के अराउंड, वैसे उड़ गया 83 पे अभी लास्ट वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो मैंने आप लोग को एक वीडियो बना के दी है ऑलरेडी कि भाई कौन से कॉइन बाय करने कौन से नहीं करने, उन कॉइन्स को भी देख लेना। ठीक है, अच्छा एक और कॉइन भाई अभी रिसेंटली उठाया रेयर करके, उसके बारे में बताया था आपको, लेट्स सी कि क्या अपडेट है। मैंने कल आप लोग को बताया था कि इसमें डंप आएगा, लो 0.5 के लेवल तक डंप आ गया कि नहीं, यहाँ कहीं पे बनाया था, कहीं ऊपर बताया था 24-30 के ऊपर, अच्छा खासा डंप आया 0.5 का। ठीक है, मैंने बोला है गोल्डन पॉकेट का मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, उससे नीचे भी हो सकता है, आ सकता है, तो 16 से 15 सेंट के अराउंड कहीं आ सकता है। एक और कॉइन है टिया, उसको देखना ज़रूरी है, बहुत भयंकर सेटअप, बहुत भयंकर चार्ट, सब कुछ बेहतरीन है इस कॉइन में, तो इसको भी आप देखना। इसमें अच्छी गंदी विक बनी है पिछली वीक की, लेकिन अच्छी खासी यहाँ पे मुझे लगता है बुलिश मोमेंटम आएगा क्योंकि ये प्राइस एक्शन ऐसा है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं जिसका टाइटल में नाम लिया, उसका नाम है मैटिक। मैटिक को देख लेते हैं भाई, मैटिक कैसा कर रहा है, कैसा कर रहा है, बहुत बढ़िया रिवर्सल दे रहा है, कहीं ना कहीं वीकली कैंडल्स भी अच्छी थी, यहाँ पे बाय का इंडिकेटर दिया था, अच्छा उधर डेढ़ तक गया था। ठीक है, 44 सेंट से, तो मेरे ख्याल से अभी बाय का इंडिकेटर नहीं है, बट मैं जानता हूँ बाय इंडिकेटर की जो कोडिंग थी, जो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस यहाँ भी फुलफिल हो रही है प्राइस एक्शन वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे भी बाय होगा, ये जो इंडिकेटर है वो इसलिए बाय नहीं दिया क्योंकि छोटे मोटे कैलकुलेशन ये देखता है। ठीक है, वो एकदम रोबोटिक रिस्पांस देता है, तो मेरा जो है वही, इसीलिए आंखें चाहिए होती हैं, मेरी आंखें जो है वो चीज़ जानने की यहाँ पे वो चीज़ बन रही है जो बाय यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे RSI की कुछ सेटिंग ना हुई हो या फिर हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे हो, तो इस चक्कर में नहीं दिया। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, अगर हम बिटकॉइन की ट्रेड आपके सामने लाइव देखें तो 23% का यहाँ पर मुनाफा पकड़ा हमने, शॉर्ट जो ट्रेड थी आज ही दी आप लोगों को। ठीक है, 60,700 से 60,000, मतलब 1% ज़्यादा का मूव तो पकड़ लिया हमने, और एंट्री थी 60,768 के। ठीक है, ये ट्रेड मैंने आप लोग को अभी डाल के दी है, लाइव चल रही है और लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ये ट्रेड चल रही है, आप देख लो प्रॉफिट चल रहा है। और इसको मैं इसको ऐसे भी कर देता हूँ, मैंने एक छोटे अमाउंट से ये ट्रेड ली थी, $114 प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप लोग को जुड़ना है मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आपको मेरे ऑप्टिन क्लब में रुकना है जहाँ पे मैंने ट्रेड दी थी सबसे पहले, उन लोगों से जुड़ने के लिए भी आपको वहाँ पर ऑप्टिनेक्स मेरे टेलीग्राम के बायो में जाना होगा और वहाँ पे मैसेज कर देना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।